हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देसी मटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं, छोले दाल। तो ये हमने रात में मटर भिगोया था, इसको हम बॉयल कर लिए हैं। तीन चार आलू लिए हैं, ये टमाटर हमने काट लिया है, और ये हमारा प्याज है, ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। अभी हम इसको फ्राई करने चल रहे हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है, इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गरम है, अब इसमें हम जीरा एक छोटी इलायची डाल रहे हैं, दो तीन तेज पत्ता डाल रहे हैं, ये हम प्याज डाल रहे हैं इसमें। ये प्याज हमारा लगभग पक गया है, ब्राउन हो गया है। इसमें हम छोला मसाला और थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं। ये हमारा है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं। हल्दी आधा चम्मच, अभी इसको मिलाएंगे। मिर्चा पाउडर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बहुत तीखा हो जाता है। अभी इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा पक जाए ये। इसमें हम टमाटर को डालेंगे। ये हमारा टमाटर भी लगभग हो गया है, पक गया है। देखिए अच्छे से इसका कलर आ गया है मसाले टमाटर का। हम इसमें मटर और आलू को डालेंगे। अच्छे से मिला के इसको हम ढक देंगे। थोड़ा सा मसाला और मटर आलू सब मिला के मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए, तब हम पानी डालेंगे। इसको हम ढक देते हैं। ये हमारा सब्जी जो है मटर की पक गई है, मसाला भी अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी आता है, छोले से भी ज़्यादा टेस्टी। इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम इसको ढक देते हैं, 5 मिनट तक हो जाए हमारा। ये हमारी मटर की सब्जी बन गई है, देख लीजिए ये रेडी हो गई है। ये पीले मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी आती है। ये हम प्लेट में निकालने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो ये पीले मटर की सब्जी जिस तरीके से बनाए हैं, आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना ना भूलिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।